धनु राशि और लग्न वालों का स्वभाव और विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यह जानकारी दी है कि यदि आपकी धनु लग्न है या धनु राशि है तो कुछ प्रमुख विशेषताएं आपकी क्या होंगी, कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए, कौन सा शुभ दिन है और क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति पा सकें। नमस्कार मित्रों, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि लग्न आपकी धनु है तो यह द्वि स्वभाव राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है। आपने देखा होगा इसका जो चिन्ह है वो लक्ष्य साधे हुए है, आधा घोड़ा आधा पुरुष लक्ष्य साधे हुए है। तो यदि आपकी धनु लग्न है तो अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना आपकी बहुत बड़ी खूबी होती है। गुरु की यह मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का अर्थ होता है दो राशि प्रत्येक ग्रह की होती है, एक सामान्य राशि एक मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि में जब गुरु जाते हैं या कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाता है तो वह शुभ फल बहुत ज्यादा मात्रा में देता है। तो यह नवमी राशि है अग्नि तत्व की, द्विस्वाभाविक राशि है। तो यहाँ पर यदि आप धनु लग्न के हैं तो ऐसे जातक हसमुख होते हैं, प्रयत्न अपने कार्य के प्रति हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, जो ये मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। इसके अलावा शीर्षोदय राशि है। शीर्षोदय राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो कन्या राशि के बाद जो शीर्षोदय राशि होती है वह धनु होती है। ऐसे जातक जो है लक्ष्य के प्रति अपने अग्रसर रहते हैं, प्रत्येक काम बुद्धिमानी से करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जातक बहुत ही ज्यादा मात्रा में सफल होते देखे गए हैं। बात करें अगर शिक्षा की तो ऐसा देखा गया है जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं इनकी शिक्षा जो है मंगल ग्रह पर निर्भर करती है कि मंगल आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अगर मंगल पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ स्थानों पर बैठा है, शुभ स्थानों का मतलब हो गया पंचम सप्तम नवम दसम ग्यारहवें भाव में या लग्न में बैठा है मंगल, तो आपकी जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, यानी आसानी से चलती रहेगी, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। किंतु यदि मंगल पाप प्रभाव में हो जाए, नीच राशि में हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, शत्रु से के साथ युति बना लें, डिग्री वाइज कमजोर हो जाए, 6, 8, 12 में हो जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जो है दिक्कतें होती हैं। ऐसे में शिक्षा आपकी बाधित हो जाती है तो आपकी कुंडली में पहली चीज तो लग्नेश का अच्छा होना बहुत जरूरी है यानी गुरु का, और दूसरे नंबर पे विद्या और बुद्धि के मालिक मंगल का शुभ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य का डिपार्टमेंट जो है वह सूर्य महाराज संभालते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ अवस्था में है तो भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिलता है। किंतु यदि सूर्य अशुभ राशि में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं या पाप प्रभाव में हैं तो भाग्य जो है आपका बाधित होता है। उच्च शिक्षा के स्वामी भी यहाँ पर सूर्य बैठ जाते हैं क्योंकि नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा का होता है। तो यदि आपकी धनु लग्न है तो आपको चाहिए गुरु को आप अवश्य मजबूत करें। यदि आप स्त्री हैं और गुरु पाप प्रभाव में आपकी है, आपके हैं और धनु लग्न है तो ऐसे में विवाह में विशेष दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप गुरु को अवश्य मजबूत करें। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो सूर्य भगवान को अर्घ देने की आदत आप डाल लें। सूर्य भगवान को अर्घ दें और अर्घ देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जप करें, ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः, जो मंत्र आपको सहज पड़े वो मंत्र आप जप करें, कम से कम 108 बार जप करें, तो पहली चीज आपका भाग्य साथ देता रहेगा। और साथ ही साथ यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। यदि शिक्षा में बाधा आ रही हो तो मंगल को मजबूत करें, और यदि आपको मानसिक अशांति रहती है, किसी भी प्रकार का मानसिक अशांति से आप ग्रसित हैं, सर में दर्द रहती है या आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, तो ऐसे में अपने लग्नेश को मजबूत करें। मजबूत आप व्रत द्वारा भी कर सकते हैं, मंत्रों द्वारा कर सकते हैं। यदि शुभ स्थानों में गुरु बैठे हैं, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप रत्न भी धारण कर सकते हैं अगर वो डिग्री वाइज कमजोर है तो।
यानी तीन ग्रह आपके मुख्य कारक बन जाते हैं, आपके लग्नेश गुरु बुध सॉरी मंगल और इसके मंगल के बाद सूर्य महाराज। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन जो है आपका निर्भर करता है बुध ग्रह के ऊपर कि बुध किस अवस्था में है, क्योंकि जो विवाह का डिपार्टमेंट है आपकी कुंडली में ये बुध महाराज के पास है। तो यदि बुध शुभ अवस्था में है, अपने ही राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह में आपको लाभ होता रहेगा। लाभ किस प्रकार का होगा कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता देखने को मिलती है। तो यदि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो बुध ग्रह को मजबूत करें और बाकी लग्नेश को आप मजबूत करें तो सभी समस्याओं का आपको निराकरण मिल जाएगा। यानी कि यदि गुरु मजबूत हो जाए तो सभी समस्याएं आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो यदि आपकी धनु लग्न है तो आप गुरु को बल दें, सूर्य को अर्घ दें और यदि हो सके तो मंगलवार मंगलवार हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। वैसे प्रतिदिन दर्शन करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम हनुमान जी के दर्शन मंगलवार को आप अवश्य करें। बात करें अगर शुभ दिनों की, तो शुभ दिन जो है आपका गुरुवार रविवार और मंगलवार होता है, इसके बाद बुधवार होता है। नीले और काले कपड़ों से और नीली और काली चीजों से आपको जीवन पर्यंत सावधान रहना चाहिए। ये आपके लिए जो है नीला और काला रंग और शनिवार और बुधवार दिन ये विशेष शुभ फल नहीं दे पाते हैं। नीली चीजों का आप जीवन पर्यंत दान करें तो इससे आपको फायदा होगा। संक्षिप्त में मैंने धनु लग्न वालों की चर्चा करने का इस वीडियो में प्रयत्न किया। यदि वीडियो आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो भी लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो जो नंबर आपको दिख रहे हैं अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।